घर में पानी इसमें इसमें ये तो फिर माइक तो अपने को हाँ सो गाइज मेरी आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है ओमकार सर मैं बोलूंगा कि ये कमेंट को इस साइड करो और स्क्रीन को उस साइड करो तो मुझे चीजें क्लियर होगी। सो गाइज आवाज आ रही है और सॉरी मांगता हूँ 5 मिनट लेट हो गया। लेट किसलिए हो गया आप सभी को समझ रहे हो कि कंटिन्यू हमारे लेक्चर चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीजें तो आप सेक्रीफाइस कर ही सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे 90 के और जो बच्चे एक अभी एक नोट भेजना बाकी है वो ओमकार सर को, ओमकार सर से हो नहीं तीनों भेज दिया। आधा भेज दिया सेकंड का, सेकंड वाला घर वाले पीसी में तो शाम हाँ वाले क्योंकि वो हम भी ऑफिस में हैं और घर वाले पीसी पे है तो घर वाले पीसी पे जाके हम सेंड कर देंगे। बिल्कुल टेंशन मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों चैप्टर का भेज देंगे। और 90 के मैं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने से अच्छा मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा क्योंकि ये हमारी पूरी टीम है और हम इसी टीम के मेंबर है तो आप सभी को मैं खुद दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा हूँ। थैंक्स क्या बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा क्योंकि तो हम सभी का 90K की फैमिली हो चुकी है और मुझे लगता है जल्दी हम लोग 100K का ये जो माइलस्टोन है ये कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई 100K जल्दी सभी बच्चे, सभी बच्चे 90K 90K लिख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे 90K लिख रहे हैं। ओके और मैं आप 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, काउंट करके 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। और आज आज राहुल सर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा सर इस शीट पे क्या क्या है और राहुल सर का जलवा देखेंगे आप कि साइंस 2 के अंदर 5 चैप्टर कैसे 1 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट किया जाएगा, आधे घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। राहुल सर एक एक चीजें आपको बताएंगे, देखो फटाफट फटाफट कैसे इवन फिलिंग द ब्लैंक्स। पर इन चीजों के लिए आपको क्या लेना है, पेन ले लेना है, बुक ले लेना है, नोटबुक ले लेना और टेक्स्ट बुक दोनों चीजें चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। ये तीनों चीजें ले लेना और मेरे ख्याल से एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाया हुआ, जैसे लाइव एंड होगा तो जाके देख लेना। प्रदीप सर एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा वीडियो बनाया है और उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली मिलेगी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके एज में जाके मैंने बनाया कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे कैसे क्या रिएक्ट करता और क्या क्या चीजें करता। तो वीडियो मैंने आप सभी के लिए स्पेशल बनाया। तो भाई फटाफट लास्ट काउंटिंग करते हैं सर, कार्बन कंपाउंड के नोट्स। ओके कार्बन कंपाउंड के नोट्स मिल जाएंगे, 1 2 फटाफट फटाफट शेयर कर दो जल्दी जल्दी, हर बच्चा शेयर करेगा। दोस्तों फास्ट अपने अपने बुक्स ले लो, पूरे के पूरे 5 लेसन लर्न करवाने वाला हूँ, पूरे के पूरे 5 लेसन लर्न करवा दूंगा। कल हमने जैसे साइंस 1 की चीजों को कंप्लीट किया बहुत इजी करके दे दिया, तो वैसे साइंस 2 में पूरे के पूरे 5 लेसन में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे आपको फटाफट फटाफट अगर आप चाहते हो 30 सेकंड्स में कवर करना तो कैसे कवर करना है। तो जल्दी जल्दी हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को हर एक ग्रुप में आप शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। बुक्स कितने लोगों ने ले लिया है? पीडीएफ मैंने 2 चैप्टर का कर दिया, तीसरे चैप्टर का मतलब 2 का आधा किया है और ओमकार सर को मैंने बोला था पर हम लोग इधर ऑफिस पे आ गए थे और वो जो पीडीएफ है घर के पीसी पे है तो घर पे अभी हम जाएंगे भाई, सुबह से 6 बजे से हम यहीं पड़े हैं। इवन आपको बोलू कि लंच भी हमने ठीक से नहीं किया हुआ, लंच वो पाठक जी ने कुछ लाया था वही खा के हम पड़े हुए, अभी तक हम घर पे भी नहीं गए और अभी भी कुछ लेके नहीं आया पाठक जी, कुछ नहीं लेके आए क्या? तो जूस लाने वाला था। चले स्टार्ट। तो अब मैं राहुल सर से ये पूछना चाहता हूँ, राहुल सर ये पेज, ये राहुल सर ये पेज है, ये पहला पेज है पेज नंबर 1 साइंस 2 का, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाली चीज है प्लीज बच्चों को बताइए। देखो इस पेज पे अगर अगर आप देखोगे इस पेज पे अगर आप देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है और एक डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो आपको इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहा होगा, प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लो, ये एक इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्लीज इसे आप याद कर लो। मॉडर्न जेनेटिक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जॉन मेंडल, बस ये नाम आप याद कर लो फटाक से हो गया। देन बीच में भी कुछ है बट वो चीजें मैं आपको बाद में करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे देखो आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन तीनों ही डेफिनेशन आपको याद करना है और डेफिनेशन लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है। राहुल सर क्या लिखा है, ओमकार सर थोड़ा पढ़ो देखो, अगर अपने लायक नहीं हुआ तो उसको चैनल से हटा दो। अच्छा पेपर
भाई ऐसा नहीं है यार, बस एक बोलते हैं ना, एक जाने दो। अगर इस पेज पे अगर आप आते हो तो इस पेज पे बस आप याद रखो प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस। बस अगर आप इस वर्ड पे अगर आप पूरा का पूरा फोकस करोगे ना, सिंथेसिस याद हो गया, आरएनए। देखो मैं आज उन लोगों के लिए आया हूं जिनका चीजें लर्न नहीं हो पा रही है, जिनको फटाफट करना है, आप अपने नोट्स में लिखते जाओ, इसे अंडरलाइन कर लो। आरएनए सिंथेसिस को ही हम क्या बोलेंगे, बस आप याद रखना आरएनए यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे उसे हम क्या बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एक और आएगा, इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है, पर आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। देन इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की ओर। सर बस फर्स्ट पेज पे इतना ही पढ़ना है, बस फर्स्ट पेज पे इतना ही पढ़ना है। सेकंड पेज अब देखो नेक्स्ट पेज पे आता हूं। डेफिनेशन वाइज सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि डेफिनेशन में आपको क्या करना चाहिए। तो डेफिनेशन में यहां पे देखो ट्रांसलेशन का डेफिनेशन दिखाई दे रहा है यहां पे। अब ट्रांसलेशन का डेफिनेशन जो है थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है, तो यहां पे देखो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए एमिनो एसिड आर सप्लाई बाय टीआरएनए, दिखाई दे रहा है आपको, एज पर द मैसेज ऑन एमआरएनए एमिनो एसिड आर सप्लाइड बाय tRNA। तो आप बस यहां पे एमिनो एसिड क्या हो रहा है सप्लाई हो रहा है, यहां पे एमिनो एसिड क्या हो रहा है सप्लाई हो रहा है tRNA को। अब डायरेक्ट उसे क्या बोल सकते हो, ट्रांसलेशन बोल सकते हो। डायरेक्ट आप ये वाला याद रखो, जहां पे सप्लाई हो रहा है क्या सप्लाई हो रहा है, एमिनो एसिड सप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है एमिनो एसिड। देन इसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए भी चीजें दोस्तों हम कवर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर आप आगे आते हो यहां पे एक और डेफिनेशन आपको मिलता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन तो सामूहिक विवाह पता है ना आपको, सामूहिक विवाह की तरह यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है दोस्तों। और सामूहिक विवाह में जैसे हमारे नॉर्मल से विवाह में हमारे पंडित जी यहाँ से वहां पे घूमते हैं और एक एक गले समझ सकते हैं कि एकदम नजदीक पकड़ो, मतलब यहाँ रखो, आवाज बहुत तेज आ रहा है, चलो अब दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे सॉरी उसके लिए, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे देखो मूविंग, एक वर्ड आपको क्या करना है मूविंग। मूविंग कौन हो रहा है दोस्तों, द राइबोसोम। राइबोसोम मूविंग हो रहा है, कहां से कहां तक मूविंग हो रहा है, जैसे कि आप समझो मैं पंडित जी हूं तो मैं मंदिर पढ़ने के लिए मूविंग होऊंगा और एक 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 जो जोड़े रहेंगे वो एक दूसरे के गले में, भाई जयमाला क्या बोलते हैं, जयमाला बोलते हैं। या प्रदीप सर की शादी हो गई तुमको मतलब ये सब चीजों के बारे में पता होगा, तो एक एक गले में। तो यहाँ पे कौन मूविंग कौन हो रहा है दोस्तों, पंडित जी मतलब कौन, राइबोसोम। राइबोसोम कीप मूविंग कहां से कहां तक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो यहाँ पे वन एंड ऑफ एम आर एन ए टू अनदर एंड, और उसका एक जैसे ही हम एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं ना, तो वैसे दोस्तों वहां पे वो एक एक कदम मतलब वन ट्रिपलेट कोडन, बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक बात मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि अगर अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो प्लीज कॉमेंट के अंदर, मैं सभी बच्चों से, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म को ऐसा मानता हूँ कि मेरे यहाँ कॉमेंट बॉक्स में बस अच्छी बातें चलती, जो सर बता रहे वो लाइन चलता है, जो सर बता रहे वही लिखो, क्योंकि अगर आप यहाँ वाकई कोई बातें करोगे तो भाई हम अपने चैनल से गायब कर देंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लास्ट में आपको 10 मिनट टाइम दूंगा, उसके अंदर जो जो चीजें होगी आप मुझे बताओगे, क्योंकि देखो अभी एग्जाम का टाइम नजदीक है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम आपके लिए बिना थके रुके पढ़ा रहे तो आपका भी यही काम है कि आप बस कॉमेंट में वही चीजें लिखोगे जिससे मेरे दिल को भी अच्छा लगे, राहुल सर की। अगर आप चाहते भी आगे जैसे ट्वेल्थ के लिए आप देखोगे कितने लेक्चर चल रहे, आपके लिए भी अगर चाहते हो तो आप उसी तरह से हमसे कनेक्शन बनाओगे जैसे ट्वेल्थ वाले बना रहे हैं अभी। तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन प्लीज कमेंट में लिखे, ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन प्लीज कमेंट में लिखो, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, देखता हूं कितने लोग सही लिखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बस मैंने एक वर्ड बोला है सिंथेसिस। सिंथेसिस वहां पे एमआरएनए भी बोल सकते हैं या आरएनए भी बोल सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए या आरएनए भी आप बोल सकते हो दोस्तों, जल्दी से। देन इसके बाद उसके तुरंत बाद हमने एक डेफिनेशन पढ़ा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एमिनो एसिड सप्लाई, कौन एमिनो एसिड सप्लाई कर रहा है दोस्तों, सप्लाई बाय टीआरएनए। तो डायरेक्ट सॉरी ट्रांसलेशन का डेफिनेशन। एंड ट्रांसलोकेशन का थर्ड वाला जो डेफिनेशन है, राइबोसोम कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, किसके वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये चीजें चलनी चाहिए, यस ये चीजें चलनी चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों यहां पे दो एमसीक्यू है, यहां पे दो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक है आपका ट्रिपलेट कोडॉन का, इतने अंदर से कोई चीजें आपको बताएगा नहीं। द कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट थ्री न्यूक्लियोटाइड, और इसे ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोलेंगे हम इसे, ट्रिपलेट कोडॉन। ये होने के बाद ये आपने अंडरलाइन किया, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पे एक डेफिनेशन है म्यूटेशन का।
और इसे ये सब चीजों को आपको लर्न नहीं करना है, एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे राहुल सर जी, एक बात अच्छा लगा कि आप सब बच्चे लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। यस, ये वाला लाइन प्लीज लिख दो सब लोग, ये वाला लाइन प्लीज लिख दो फास्ट। जीन चेंजेस इट्स पोजिशन दैट कॉज माइनर चेंज विच इज नथिंग बट, ये देखो यहाँ भी ले लो, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन चेंज इट्स पोजिशन दैट कॉज माइनर चेंजेस एंड विच इज नथिंग बट म्यूटेशन। और जो एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूटेशन की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसका नाम क्या, सिकल सेल अनिमिया, आया हुआ क्वेश्चन है। प्लीज 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 इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में, और इसे अभी याद करते जाओ, और चीजों को फास्ट फास्ट रिवाइज भी करते जाओ। एक जन मुझसे पूछ रहे कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बताओ। देन इसके बाद अगर आप आगे चलते हो, आगे अगर इवोल्यूशन में, बस आपको एक लाइन यहां पे याद रखना चाहिए कि इवोल्यूशन, व्हाट इज इवोल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट लाइन ग्रेजुअल चेंजेस, ये वर्ड पे फोकस करो। जो चीजें मैं बता रहा हूं आज लर्निंग कैसे करना है, तो जो वर्ड्स पे मैं अंडरलाइन करा रहा हूं बस उस वर्ड को याद कर लो, याद हो जाएगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस अक्यूरिंग किसके अंदर होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम, ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो प्लीज यार ग्रेजुअल चेंजेस, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल चेंजेस अक्यूरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो याद रखना बस ये ग्रेजुअल चेंजेस अगर आपने याद रखा तो आप इजिली इसका आंसर्स लिख सकते हो। चलते हैं हम आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आधे घंटे में हमें सब चीजों को कवर करना है। मैं जहां पे जो पॉइंट्स आपको बताते जा रहा हूं अगर आप उसे याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, पांच एविडेंसेस के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, अगर ये आपने सिस्टमैटिक याद रखा तो ये भी आपका हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे एनाटॉमिकल एविडेंसेस, नेक्स्ट अगर आप इसके बाद जाते हो तो यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड देन इसके बाद अगर आप जाते हो तो यहाँ पे प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस, देन इसके बाद आप जाओगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक, देन यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इसके अंदर से सर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर से हमें कौन से पॉइंट्स को पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर से अगर आप सबसे पहला, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है तो आप सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो वो ले सकते हो वेस्टिजियल ऑर्गन। तो प्लीज जल्दी से आप वेस्टिजियल ऑर्गन जो है उसे आप अंडरलाइन कर लो फास्ट जल्दी से। अब सबसे बड़ा टेंशन ये आता है कि सर मैं मेरे बोर्ड एग्जाम्स में वेस्टिजियल ऑर्गन को दो मिनट में कैसे याद रखूं। वेस्टिजियल ऑर्गन को अगर आपको दो मिनट में याद रखना है तो बस ये एक वर्ड्स याद कर लो, ये अगर एक वर्ड्स अगर आप याद कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। अगर आपको सिस्टमैटिक लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आज उन स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूं जिनसे आंसर्स लर्न नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो प्लीज आप अपने बुक्स पे ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लो, और प्लीज सभी को कॉमेंट में ये वाला लाइन लिखना है फास्ट जल्दी 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 जल्दी। यस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फास्ट जल्दी मुझे देखना है। सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई वाले अगर कोई आ रहे हैं यहाँ पे तो सीबीएसई के लिए हमारा दूसरा चैनल है, स्पेशली ये चैनल स्टेट बोर्ड के लिए दोस्तों। तो प्लीज सीबीएसई स्टूडेंट प्रदीप गिरी सीबीएसई एकेडमी, ये हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आप जा सकते हो। सचिन सर भी हंस रहे हैं यहाँ पे, अब क्यों हंस रहे हैं मुझे नहीं पता, डी जनरेटेड और थोड़ी देर के बाद एक बार मैं फटाफट बता दूं तो एक सर से मिलाऊंगा, बायो में बहुत ही एक्सपर्ट है, सर ने पीएचडी किया है और लॉ भी किया है, कुछ जरूरत पड़ा तो कभी सर को कॉल भी कर सकते हो। डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप डायरेक्ट अगर देखो ऐसे बच्चे जिनसे आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं ऐसे बच्चे, यस क्या बात है, मेरे ट्रिक को लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, फेना वाला ट्रिक, क्या बात है, फेना वाला ट्रिक मैंने दिया था मेरे इजी ट्रिक के वीडियो में, तो वहां पे बच्चों ने वहां पे फेना वाला ट्रिक लिख दिया, क्या बात है। मैं यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे मैं बस बता रहा हूं कि आपको कैसे चीजों को कवर करना है। पहला आपने ये लाइन लिख दिया, देन इसके बाद आप डायरेक्ट आके यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो। पहला एग्जांपल आप अपेंडिक्स के ऊपर दे दो, ये वाला एग्जांपल तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा और ये लाइन भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा यूजलेस टू ह्यूमन और आगे आएगा यूजफुल रूमिनेंट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस आपको यहाँ पे ये अगर आपने अपेंडिंग से याद रखा तो उससे रिलेटेड आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा। देन तीसरा पॉइंट अगर आपको बनाना है तो ईयर पिन्ना से रिलेटेड आप बता दो, ईयर पिन्ना कहाँ पे यूजलेस है और कहाँ पे यूजफुल है वो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन करा रहा हूं बस आप उसे ही लिख दोगे। देन यहाँ पे मंकी से रिलेटेड यहाँ पे आप लिखोगे यूजफुल है।
देन ऐसे ही आप एक दो और एग्जांपल दे सकते हो और यहाँ पे कुछ चीजें आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन है जो दूसरे के लिए वेस्टिजियल है बट किसी और के लिए वो फंक्शनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्लीज सभी लोगों ने ये आंसर लर्न कर लिया। फुल ट्रिक कोई लिखो द फेना, देखो जो यहाँ पे लिख रहा है द फेना ट्रिक, द फेना ट्रिक लिख रहा हूँ, मेरे इजी ट्रिक वाले लेसन से है। तो मैं आज यहाँ पे संदेश आपका वीडियो आज सर ने देखा, प्रदीप सर ने बहुत ही अच्छा आपने बनाया, पूरा अंधेरा था मैंने भी देखा और अंधेरे में अचानक से सर ने जय श्री राम बोला और अचानक से लाइट आ गया। तो वो वाले वीडियो का आपने शॉर्ट वीडियो में रील्स की तरह आपने बनाया, हमने देखा है, बहुत अच्छा वीडियो था। चलते हैं आगे। हाँ, साइंस टू के पेपर के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना है, साइंस टू के पेपर के लिए डायग्राम्स बहुत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम किसका है। ये तो मुझे पता है कि सबको पता है, पर ये भी डायग्राम सबको पता है। ऐसे डायग्राम्स के नेमिंग आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम आते हैं यहाँ पे, एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आज आपको बुक के बीच बीच में से एक एक लाइन ढूंढ के बताने वाला हूं कि आपका एक भी आपको बुक रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया तो आपका एमसीक्यू सब कुछ कवर हो जाएगा कहां से, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में हमें रीडिंग करना पड़ता है। अब देखो मैं यहां से पूरा का पूरा आपको चीजें अंडरलाइन करके दे रहा हूं, प्लीज अंडरलाइन कर लो। आप 30 मिनट्स में 5 लेसन कवर कर सकते हो। दिखाई दे रहा है फॉसिल का डेफिनेशन बहुत बार पूछा गया है, प्लीज इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लो फास्ट जल्दी से। देन अगर मैं इसके आगे आऊं, मैं अगर इसके आगे आऊं तो यहां पे कार्बन डेटिंग मेथड है दोस्तों। कार्बन डेटिंग मेथड जो है ये हमें अच्छे से, यहां पे कार्बन डेटिंग मेथड को अपने को अच्छे से कर लेना चाहिए। यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे है। देखो मैं बुक के बीच बीच में से आपको चीजें कंप्लीट ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं जिससे आपको बुक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बुक को जो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं अगर आप सिस्टमेटिक अगर इस चीजों को अंडरलाइन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्बन डेटिंग मेथड इसका जो मेरा इजी ट्रिक का वीडियो है वहां पे आप देख लो इसका आंसर्स का, मैंने बहुत सिंपल सा ट्रिक दिया है। देन अगर आप आगे आते हो दोस्तों, आप आगे आते हो, हाँ आपको ये याद रखना है, इसका भी मैंने पूरा का पूरा एक ट्रिक बनाया मेरा इजी ट्रिक के वीडियो में कनेक्टिंग लिंक का। यस, मुझे कमेंट कोई करके बता सकता है अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसको ट्रिक दिया और डायग्राम देने के बाद यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में दे दिया और आपको ये नेमिंग लिखना था। बच्चे इतने कंफ्यूज हो गए कि इसमें से किसका नाम है। तो यहाँ पे डगबिल जो है, लंगफिश है, पेरिपिटस है, देख लो भाई डायग्राम में कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड क्या करेगा पता है, ऐसा डायग्राम दे देगा और आपको ये नेमिंग लिखने के लिए बोल रहा है। मैं हमेशा बच्चों को बोलना चाहता हूं कि आप ब्रीफ आंसर्स के पीछे मत भागो, आप छोटे छोटे हंसते हैं। देखो मस्ती मस्ती में अब हम यहां बैठे हैं, डायग्राम को अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा है, तुरंत मैं डायग्राम को मैं लर्न कर सकता हूं हंसी हंसी मजाक मजाक में। तो यहां पे कोई ब्रीफ आंसर्स, बहुत सारे बच्चे ब्रीफ आंसर्स लेके लर्न करते रहते हैं। मेरा सजेशन है कि उस आंसर्स के पीछे भागने से अच्छा है कि आप चीजों को पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक का यहाँ पे पहली लाइन में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा और इसका मेरा इजी ट्रिक का अगर आप वीडियो देखोगे, यहाँ पे देखो पेरिपिटस के बारे में लिखा है कि पेरिपिटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ पे आपको लिखा होगा एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा होगा और देन इसके बाद आपको पेरिपिटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में इसके पहले इस वाले लाइन को पूछा हुआ है। यहाँ पे देंगे पेरिपिटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड यहाँ पे डैश देंगे, या तो ऐसे ही पूछ सकते हैं यहाँ पे डैश करके बोलेंगे इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा अगर आपने डीप इस तरह की स्टडी को किया तो ही आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज दोस्तों बस आप ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ लोगे तो नहीं चलेगा, आपको एक एक वर्ड्स के बारे में पता होगा। हाँ, अगर आपसे ये आंसर्स याद नहीं हो रहा होगा तो इजी ट्रिक लेसन का नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन डालो और गिरी ट्यूटोरियल वहां पे लिखो, आपको डायरेक्टली इजी ट्रिक मिलेगा, वहां से सब चीजें आपसे लर्न हो जाएगी। देन इसके बाद इस वाले आंसर्स के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे आपको कुछ नहीं आने वाला है, बट एक लाइन आपको डेफिनेशन में अगर आई तो आप ये याद रखना, एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एंड सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। तो याद रखना ये अच्छे से अगर आप याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही एक लाइन इस वाले आंसर्स के लिए याद रखना कि इनिशियल स्टेज पे यहां पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देती है, पर धीरे धीरे ये सिमिलैरिटीज क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है। तो ऐसे अगर देखोगे, अगर देखो इनिशियल स्टेज पे सब चीजें सेम है पर जैसे ही जैसे हम आने लग रहा है, तो यही है हमारा, यही आंसर्स का मेन पार्ट है, प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लो। देन इसके बाद डार्लिंग और डार्विंग,
जिसे हम प्यार से डार्लिंग डार्लिंग बोलते हैं, तो हमारी जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले बार मैंने आईएमपी क्वेश्चंस में दिया था ऑब्जेक्शन, और मैंने ये ऑब्जेक्शन पिछले बार आईएमपी क्वेश्चन में दिया था दोस्तों, और ये ऑब्जेक्शन आप पिछले बार का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्शन आए थे। सबसे पहले ऑब्जेक्शन में बस आप ये वर्ड याद रखो, एनएस, एक बाइक का भी नाम है एनएस 200, तो आप डायरेक्ट ये याद रखोगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर दोस्तों। ये जल्दी से, ये जल्दी से, लैग हो रहा है। एमसी स्टैंड रैपर, हाँ ये ट्रिक मैंने दिया था एमसी स्टैंड रैपर। अब मैं यहाँ पे देखो ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, ट्रिक वीडियो अलग है रहता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपको कहां से क्या चीजें फटाफट, अगर आप चाहते हो आधे घंटे में अगर पूरा पांच लेसन कवर करना चाहते हो साइंस टू का, तो कैसे कवर करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस को देखे हैं ट्रिक वाले। देन दोस्तों इसके बाद सेकंड वाले आंसर्स में बस मॉडिफिकेशन वर्ड को याद रखो, सेकंड वाला पॉइंट याद हो जाएगा। देन थर्ड वाले में चेंजेस याद रखो दोस्तों, स्लो चेंजेस और अब्रप्ट चेंजेस या फास्ट बोल सकते हो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके बुक का नाम याद रखना दोस्तों। देन यहां पे पहला ये पॉइंट याद रखना, देन पॉइंट नंबर सेकेंड, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट ईच अदर, ये सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, या उसके पहले से भी एक लाइन आप लिख सकते हो। इतने जो मैंने लाइंस दिए बस इतने लाइंस आप अपने बुक्स में अंडरलाइन फटाफट कर लो। देन चलते हैं अब नेक्स्ट आगे के पार्ट पे, चीजों को अंडरलाइन करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो प्लीज मुझे बताओ। देखो लेमार्किज्म पे आपको एग्जाम्पल आ सकता है, तो आप जिराफ वाला एक एग्जाम्पल दे सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना, इनके प्रिंसिपल का नाम, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, एक याद रखना। देन इसके बाद यहाँ पे आप आयन स्मिथ का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल से याद रखना, बस एग्जाम्पल से याद रखना भाई, कौन सा एग्जाम्पल किसके रिलेटेड है बोर्ड पूछ सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको लोग डराते हैं, हाँ इसमें एक और याद रखना, एक्वायर कैरेक्टर्स, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है मैं बोल रहा हूं, अगर आप जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, अगर आप ये सब वर्ड्स भी अगर आप लिख दोगे ना दोस्तों, ये सब वर्ड्स भी अगर आप लिख दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। देन इसके बाद हाँ देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन इवोल्यूशन में बस अपना एक ही लाइन है जो आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको ये लाइन पढ़ने की जरूरत है। देखो मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूं, इतने अंदर से आप कोई भी वीडियोस देखो, इतने अंदर से अगर समझो टीचर्स ने अगर चीजों को पढ़ा होगा तो ये आपको अंडरलाइन करा के दे सकता है, टीचर्स को खुद वो लाइन ढूंढने लगेगा, उसको नहीं मिलेगा। सोचो मैं बुक के बीच बीच में से आपको इंपॉर्टेंट सब चीजें दे रहा हूं। और हमारे बोर्ड का पैटर्न चेंज हो चुका है, बोर्ड के पैटर्न में अगर आप देखोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी अब 1-1 मार्क्स में पूछते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि अपने को बुक को अच्छे से रीड कर लेना है, डेफिनेशन डायग्राम ये सब पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप ब्रीफ आंसर्स के पीछे भागोगे तो टेंशन भी बढ़ेगा, मार्क्स भी कम आएगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्रदीप सर हमारा लेसन नंबर फर्स्ट हो गया, लेसन नंबर फर्स्ट में मेरे हिसाब से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो उस दिन ये एक नेक्स्ट एग्जांपल कर ले, नेक्स्ट एमसीक्यू कर लेना, उस दिन हमने ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन जो सीरीज चलाया था भाई, आपके बुक का एग्जांपल है, आपके बुक का एग्जांपल है, यही वाला मैंने डाला था उसके अंदर। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वाला आपको सीरीज चाहिए क्या बोलो, कल आज ही हमें रखना था पर आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज रात के 3 बजे तक हमने काम किया। अगर आप देखोगे सुबह 7 बजे से लेक्चर आना स्टार्ट हो गया, सुबह से अभी आप देखोगे मुझे घर पे से जब से हम आए हैं लेक्चर्स भी इतना सारा लिए, लेक्चर्स लेने के बाद मॉर्निंग में आपको पता है कि हमारे ऑफलाइन बैच का जो लेक्चर था सुबह 7 से लेके 1 बजे तक था। देन उसके बाद आप देखोगे चैनल पे प्रदीपगिरी अपडेट, प्रदीपगिरी अकेडमी पे भी आप जाके चेक करो कितने सारे लेक्चर्स हम आइए। अब प्रदीप सर आप मिला दीजिए सचिन सर को, तो सर अपने सर लोग का हर जगह इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। सो भाई फ्लाइंग वेस्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, और हमारे लिए एक दूसरे फ्लाइंग वेस्ट सचिन सर है जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया है, हमारे यहाँ बायो के टीचर हैं, इसलिए उनका पूरा नाम डॉक्टर सचिन राउत, सही सर करेक्ट है सचिन अच्छा नहीं नहीं सर जो है और हमने जो किया है बताने में क्या जाता है, डॉक्टर सचिन राउत, क्योंकि आप नाम भी लिखते हो सर, डॉक्टर आगे लिखते हो तो लिखते हो तो हो। तो भाई इसके बाद सर यहाँ भी नहीं रुके, इसके बाद सर ने
अभी क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, एक बार बच्चे बोलेंगे फिर स्टार्ट करता हूं मैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ ओके, तो अगर मैं बताऊं सचिन सर के बारे में, तो सचिन सर ने अभी अपना लॉ भी कंप्लीट किया है, इतनी सारी चीजें कंप्लीट की है, लॉ भी कंप्लीट किया है, देन इसका सर ने, सर अभी ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ाते भी है, तो सर कुछ बोलना चाहोगे? इतना याद रखो, दसवीं का एग्जाम जो आ रहा है और आपके पीछे कौन मेहनत कर रहा है वो कभी भी ध्यान में रखो, इतना याद रखो, क्योंकि इस टाइम तब बहुत सारे क्लासेस है, बहुत सारे लोग हैं और छोड़ के अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम में बिजी हैं, तो मेरा कहना इतना ही है, जो आपके पीछे मेहनत कर रहा है, रात रात को जग के मेहनत कर रहा है, उसको कभी मत भूलना, इतना याद रखो, क्योंकि उसकी दुआ है आप आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे परसेंटेज निकालोगे। अरे नाना पाटेकर कुछ नहीं हूँ, ऐसे इतना एग्रेसिव तो नहीं हुए, इतना याद रखो, थोड़ा सा पढ़ाई करो, ध्यान दो, आपको जो सर ट्रिक्स बता रहे हैं बहुत सॉफ्ट है, तो मैं आज लेक्चर सर का देख रहा था, तो सर जो ट्रिक्स दे रहे हैं, एक 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 सेंटेंस दे रहे हैं, ऐसा ही पेपर आता है, सर ने बहुत सारा उस पर बहुत सारा रिसर्च किया है, और रिसर्च आपको ही आपके लिए वो काम में आएगा, समझ में आया आपको, तो आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो थैंक यू सो मच सचिन सर। राहुल सर कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो यहाँ पे दो महारथी लोगों से आपको मिलने का मौका मिला, मैं फिर से अब अपना जो माइक है इसको प्लीज मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरी आवाज की वजह से। गिरी ट्यूटोरियल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। चलते हैं आगे, फास्ट लेसन नंबर सेकेंड का बच्चों के अंदर बहुत ही डर है। देखो फर्स्ट पेज पे कुछ भी आपको नहीं करना है, फर्स्ट पेज पे एक ही लाइन है। अब देखो आप अगर खुद से जाओगे पढ़ने के लिए तो बहुत टेंशन होगा, आप सोचो अगर मैंने अच्छे से चीजों को पढ़ा होगा, अगर अच्छे से चीजों को बताया होगा तो मुझे लाइन भी पता है। डायरेक्ट आप एक लाइन ले लो जो हमारे लेसन नंबर फर्स्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई मुझे बता सकता है? मैंने अंडरलाइन इसके पहले करा के दिया था, कोई बता सकता है लेसन नंबर फर्स्ट पे फर्स्ट पेज पे कहां पे देखो छुपा हुआ है? ऐसे लाइंस को ढूंढना है दोस्तों, ऐसे लाइंस को आपको ढूंढना है, यहां पे ऐसी लाइन को आपको ढूंढना है। पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है? 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट प्रोटीन का भी दोस्तों सेम है, प्रोटीन का भी सेम है, फैट्स में चले जाओगे तो 9 आएगा, मैं आगे अंडरलाइन करा के दूंगा। पूरा बिल्डिंग आपकी आपके लेक्चर को सुन रहा है, डार्क स्पीकर पे लगा दिए, क्या बात है ओम, देखना आजू बाजू वाले भी ना आ जाए, ओम ओम ने बोला होगा तो सच में कर सकते क्योंकि नाम से ही मेरे को लग रहा है। देन दोस्तों इसके बाद आपको ग्लाइकोलिसिस के अंदर, ये देखो इतना बड़ा आंसर मत याद रखो, यहां पे देखो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप, तीनों स्टेप के नाम याद रखो, ग्लाइकोलिसिस यहां पे टीसी है और इसके बाद ईटीसी, आप बस तीनों स्टेप के नाम याद रखो। और ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर आपको याद रखना है तो ये वाला आप लाइन बस याद रखो, यहां पे पाइरूविक एसिड तक आपको बस याद रखना है, उसके बाद नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। देन उसके आप आगे आ जाओ, देन उसके आगे आ जाओ दोस्तों, हाँ यहां पे आपको एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स और या तो आपके आंसर्स में दे दे रहा हूं। यहां पे देखो NADH2 दिखाई दे रहा है, FADH2, NADH2 यहां पे दिखाई दे रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP याद रखना। देन यहां पे ईच FADH2 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। देखो सब चीजों को मैं फटाफट अंडरलाइन कराते जा रहा हूं, आप अपने बुक पे जल्दी जल्दी आप कर लो, बहुत यही सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन अगर आप आगे जाओगे, देन आप आगे जाओगे, ये डायग्राम को आपको समझना है, ये डायग्राम को आपको समझना है। देखो यहां पे समझना भी बहुत इजी है, देखो यहां पे ब्रेक डाउन हुआ है ATP, यहां पे ATP के में ADP में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। देन यहां पे इसके बाद अगर हम जाते हैं, देन अगर आप यहां पे जाओगे तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्यू रीजन आपको मिल सकता है, ग्यू रीजन भी आप समझोगे, ये देखो यहां पे फास्टिंग एंड हंगर, उस टाइम पे लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पे अंडरलाइन करा के दे रहा हूं। और दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले आए थे एक दोनों आए थे तो उड़ा दिया मैंने, देन दोस्तों इसके बाद 2 मिनट लगता है उड़ाने ये इसलिए बोला चैनल पे आते टाइम थोड़ा सही से रहो। हाँ
अब दोस्तों फटाफट ये फ्लो चार्ट आपको कर लेना चाहिए, मेरा तो व्यू बढ़ता है। देन इसके बाद देखो, पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में ये वाला लाइन पूछा गया था, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर द टू स्टेप ऑफ एनोबिक रेस्पिरेशन। देन इसके बाद यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट ग्यू रीजन वाला लाइन है कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल जो है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन आप परफॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे देखो सॉरी, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। कल बोलते कल के नोट्स आए हुए, बस उसमें के सेकंड और थर्ड नहीं है जो अभी हम लोग सुबह से यही। प्रदीप सर बोल रहे हैं कि जो नोट्स से रिलेटेड जो कमेंट कर रहा है, दोस्तों नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया, कल के जो नोट्स है वो आधा आ चुका है। एक्चुअल आधा पीसी ओमकार सर के पास यहाँ नहीं था, आधा घर वाले पीसी पे, इसलिए हम लोग सुबह से यही पढ़े। दोस्तों जो नोट्स है वो आधा जो आपको भेजा गया, आधा नोट्स घर वाले पीसी पे है, तो जैसे ही हम घर पहुंचेंगे आपको भेज देंगे दोस्तों। प्लीज हम लोग मॉर्निंग से यहाँ पे हैं, घर पे वो चीजें आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे हूं। अब चलो मैं फटाफट आपको बता दूं किसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो हायर प्लांट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के बदले एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए परफॉर्म करते हैं। करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्यों ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल, ये वर्ड एक याद रखोगे तो काम हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आप आगे चलते हो, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट है, देखो सब चीजें मैं आपको दे दे रहा हूं। ये देखो एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेटेड ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कौन सा एसिड जो है उसकी वजह से आपको टायर्डनेस आता है, तो इस एसिड का नाम याद रखना लैक्टिक एसिड। देन अगर आप आगे आते हो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आया हूं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन। देन यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रखोगे प्रोटीन ऑफ एनिमल। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं यही सब चीजें बस आप पढ़ते जाओगे काम हो जाएगा। एक काम आप बहुत बुरा कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 413 लोग देख रहे हैं, 400 मोर देन 400 लोग देख रहे हैं, लाइक यार वीडियो को 300 है, क्या करूं, चले जाऊं, जाऊंगा तो नहीं, बता के ही जाऊंगा, कर दो फटाफट। अगर आप मेरा ट्रिक वीडियो देखोगे तो मैंने ट्रिक वीडियो में ये चीजें कंप्लीट करा दी है कि यहां पे कौन कौन सा प्रोटीन, यहां पे कौन कौन सा, यहां पे एमिनो एसिड, देखो यहां पे दिखाया जाए स्किन में कौन सा है मिलानिन है, यहां पे देखो बोन में कौन सा है। देन यहां पे सब चीजें है, ये पूरा का पूरा आपको याद कर लेना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैच द कॉलम के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देन इसके बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लीज आप इससे भी अंडरलाइन कर लो। चलो आगे, यहां पे कोई मुझे बता सकता है कि इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स कहां पे, चलो यहां पे बता दे कोई इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स कहां है। आपका मैं काम कम से कम 20 घंटे का काम कम कर दे रहा हूं, आपको अब कुछ करना नहीं है, बस जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूं, बस गारंटी बोल रहा हूं, ऑन वीडियो बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, छुपके भी नहीं बोल रहा हूं, सामने बोल रहा हूं, यही बस करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। पेपर जिस दिन साइंस टू का होगा, उस दिन प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। अब जलने वालों की जलेगी, ऐसे ही जलते रहेगी, वो कुछ भी आपको बोलेंगे कि नहीं ब्रीफ आंसर्स बहुत सारा याद कर लो, पर मैं हमेशा बच्चों को मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देता हूं, इतना बहुत है। चलो आगे 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 आगे, तो यहां पे वी गेट 9 किलो कैलोरी एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स, भाई याद कर लेना। यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 21 में भी पूछा गया है, और जनरली बहुत सारे टीचर्स इसे स्कीप कर देते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन बहुत ही छुपा हुआ क्वेश्चन है, एक तो यहां पे आपका लिपिड्स का डेफिनेशन है, और बस याद रखना कि लिपिड्स के अंदर क्या रहेगा, फैटी एसिड और यहां पे अल्कोहल, बस ये याद रखना। एंड देन यहां पे एक यूजेस ऑफ फैटी एसिड, यहां पे यूजेस ऑफ फैटी एसिड याद रखना, क्या है यूजेस ऑफ फैटी एसिड, इसके बीच में है, यहां पे आपको यूजेस ऑफ फैटी एसिड है, प्लीज इसे याद रखना। फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन, ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हो, ऊपर का याद रख सकते हो। देखो यहां पे प्रोड्यूस द वेरियस नेसेसरी टू, देखो यहां पे फॉस्फोलिपिड्स वाला एक पॉइंट आप याद रख सकते हो। तो ऐसे आप इजी इजी पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो। चलते हैं आगे, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, चीजें कैसी लग रही है, प्लीज मुझे आप बता सकते हो, क्या ये
जो मैं एफर्ट्स दे रहा हूं, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सबसे पहले व्हाट इज विटामिंस या तो विटामिन, तो विटामिन आर द ग्रुप ऑफ हेटरोजीनियस कंपाउंड, आगे का भी लिख सकते हो। और बाद में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, हमारे कमेंट में चलना चाहिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होना चाहिए और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा होना चाहिए, प्लीज जल्दी 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 कमेंट में चलना चाहिए, हो सकता है कि ये आ जाए, प्लीज कमेंट में जल्दी से वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल जल्दी से फास्ट फास्ट फास्ट, मैं तो अंडरलाइन करा के दे रहा हूं, अधिक फैट सॉल्युबल बीसी वाटर सॉल्युबल, बस काम खत्म। चलो आगे आगे अगर मैं जाता हूं तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ग्यू रीजन, यहां पे दो दो ग्यू रीजन है, एक है कि वाटर इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट, भाई यहां से यहां पढ़ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड होल बॉडी डिस्टर्ब लिटिल लॉस ऑफ वाटर, बस कितना सिंपल सा पॉइंट है, उसके ऊपर वाला पॉइंट आप डायरेक्ट लिखो, उसके ऊपर वाला पॉइंट आप डायरेक्ट लिखो, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी डिस्टर्ब लिटिल लॉस ऑफ वाटर, इतने सिंपल सिंपल चीजें आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। देन यहां पे एक इंपॉर्टेंट है फाइबर्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्यू रीजन है दोस्तों, फाइबर्स आर असेंशियल न्यूट्रिएंट, बस ये सिंपल से पॉइंट्स लिख दो, बस बात खत्म, हमेशा बात खत्म ही रहेगी। अगर आप आगे आते हो बच्चों को बहुत टेंशन इसके अंदर है कि सर माइटोसिस और मियोसिस कैसे होगा, माइटोसिस और मियोसिस पे इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया है, और अगर आप वीडियो को बस देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर मैंने बनाया है, पर मैं यहां पे आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि 2 मिनट में इस आंसर को लर्न करना तो आप डायरेक्ट याद रखो, देखो माइटोसिस यहां पे आप दूसरा याद रखोगे कि दो स्टेप्स है इसके अंदर, देखो सब चीजें मैं अंडरलाइन करा रहा हूं, कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप, 4 स्टेप यहां पे कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है दोस्तों, वो 4 स्टेप कौन से हैं मैं पूरे के पूरे, पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड चौथा है टेलोफेज। प्रोफेज में सर मैं क्या लिखूं, प्रोफेज में बस आप एक ही चीज लिखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये लाइन बस लिख दो, बात खत्म, प्रोफेज में बस ये लाइन आप लिख दो दोस्तों, बात खत्म, इतना सिंपल कोई नहीं करके देगा दोस्तों, प्रोफेज में बस ये लाइन, ये आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स के लिए भी आ सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट टू डिसअपीयर, यहां स्टार्ट ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंप्लीटली भाई पेपर आएगा ना तो प्रूफ के साथ बताऊंगा, थोड़ा सा आंसर्स जो है, इसलिए जो अलग अलग वीडियोस अगर हम बना रहे तो उसको भी आप फॉलो करो। मेटाफेज इससे रिलेटेड यहां पे एक पॉइंट आपने लिखा, एक दो पॉइंट आप अपने साइड से भी लिख सकते हो, बस मैं यहां पे आपको आया हूं कि हेल्प करने के लिए कैसे चीजों को फटाफट कंप्लीट करें। देन आप एनाफेज पे एक और यहां पे पॉइंट याद रखना, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन याद रखना, इक्वेटर याद रखना यहां पे, देन इसके बाद एनाफेज में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अपोजिट पोल, यहां पे देखना ईच सेट ऑफ क्रोमोजोन रीच एट 2 अपोजिट पोल्स, ये वाला लाइन बस याद रखोगे काम खत्म हो जाएगा। एंड टेलोफेज में लास्ट वाला लाइन के न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर, बस इतने वर्ड्स में आपका आंसर्स मैंने यहां पे लर्न करा दिया। सर नोट्स चाहिए सबके, नोट्स के लिए आपको चैनल को 100K कराना पड़ेगा, क्योंकि इसके नोट्स मैं यहां से बुक में से ही करा देता हूं, इसके नोट्स अभी मैंने बनाए नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं हाथ से लिख दूंगा, पर मेरे पास अब भी तो टाइम नहीं है क्योंकि मैं 12th के लिए बिजी हूं, पर आपके पेपर के पहले अगर ये 100K आज करा दो तो आज रात भर नाइट आउट मार देता हूं, लिख देता हूं। 2 मिनट में आंसर्स देखो, 2 मिनट में इसके आंसर्स लर्न हो जाएंगे। इसके लिए मियोसिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम सिस्टमेटिक याद कर लो, देन लेसन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट लेसन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश, के बस 2 पॉइंट्स पढ़ लो। देन इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका बाइनरी फ्यूजन है ना, बस इसके एग्जांपल याद रखो कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन, देखो आप इतना बड़ा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या है, अमीबा। देन इसके बाद क्या आएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या आएगा, पैरामेशियम, काम खत्म। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या आएगा, यूग्लिना, बात खत्म। आगे आ जाओ दोस्तों, मल्टीपल फ्यूजन जो है, और मैंने इसका ना मेरा ट्रिक वीडियो देख लेना,
ट्रिक वीडियो अगर आप इसका देख लोगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बताई कि आपको कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट ट्रिक वीडियो मेरा कुछ 20-22 मिनट का है, अगर देख लोगे तो ये लेसन पूरे के पूरे लर्न हो जाएंगे। डायग्राम्स और देखो बडिंग यहाँ पे ईस्ट है, यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल, देन इसके बाद फ्रेगमेंटेशन में स्पायरो वगैरह का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से याद करो, साइकन भी याद कर सकते हो। रीजनरेशन में यहाँ पे आपको प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है दोस्तों, देन बडिंग इन मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल हाइड्रा का है, याद रहना चाहिए। हाँ यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल याद रहना चाहिए कि लीफ से जो होता है ब्रायोफाइलम, देन यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डेफिनेशन याद रखना है, पहली लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया है। देन आगे आ जाओ, हाँ म्यूकर का यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में म्यूकर का एग्जाम्पल याद रखो, देन आगे आ जाओ। ये मैंने बहुत ईजी से ट्रिक वाइज मैंने कंप्लीट करा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहला एक लाइन आप डायरेक्ट फ्लावर से रिलेटेड लिख दो, फीफा वर्ल्ड कप मत, जो ट्रिक अगर किसी को पता होगा, देखो फीफा वर्ल्ड कप आ गया, फीफा वर्ल्ड कप मुझे मिला, भाई मेरा जाके वो वीडियो देखो, इजी ट्रिक का पूरा आंसर लर्न कराया हो, फीफा वर्ल्ड कप मुझे मिला, आंसर याद हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 30 मिनट्स में आप चीजों को कैसे कवर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप ये वाला आंसर भाई अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 पॉइंट्स बनाना है, आप तुरंत बना सकते हो। कैसे बोलोगे, पहला लाइन ये लिख दो कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि देयर आर 4 वॉल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। बाद में आप लिख दोगे कि कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी वॉल, देखो यहाँ पे लिखा है कहीं पे, ये देखो एक्सेसरी वॉल कैलिक्स एंड कोरोला। व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेसरी वॉल, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल। एंड नेक्स्ट वन दैट इज एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड एसेंशियल वॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड एसेंशियल वॉल, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। हो गया, देखो यहाँ पे अब सभी के मेंबर्स लिख दो, मेंबर्स को भी मैंने ट्रिक वाइज कंप्लीट करा है, इससे ज्यादा मैं मेहनत आपके लिए और क्या कर सकता हूं। यहां पे आप मेंबर्स के बारे में लिख दो कि मेंबर्स किसके क्या है, देखो डायग्राम में लिखा है कैलिक्स का सेपल है, कोरोला का पेटल है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मेंबर्स कहां पे लिखा है दोस्तों, यहां पे ये देखो यहां पे लाइन है, एंड्रोसियम इज अ मेल वॉल, इट्स मेंबर इज कॉल्ड स्टेमेन, एंड गाइनोसियम का मेंबर्स क्या है प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ। हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन भी मैंने ट्रिक वाइज आपको दे दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे देखो, बोर्ड एग्जाम्स में पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा था लोगों ने इस क्वेश्चन, ये देखो ये वाला लाइन मैं हमेशा टिक करा के देता था और बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा था। अब जाके मेरा मॉर्निंग का वीडियो देखो, सुबह सुबह मैं आया था, नहीं मिलता रे नोट्स भाई, सब मिलता है तुमने भाई, इस चैनल पे ही सबसे ज्यादा नोट्स मिलता है, यहाँ पे सब नोट्स दिया है, बस इस वाले सब्जेक्ट के नोट्स नहीं दिए, बाकी सब नोट्स यहाँ पे दिया है। ऐसा बोलोगे तो कैसे लगेगा यार, बहुत तकलीफ होता है, बोल रहे नोट्स तो नहीं मिलता, और आज ही प्रदीप सर ने नोट्स डाला है, बाकी भी हम लोग। यहाँ पे आप ये डबल फर्टिलाइजेशन के आंसर्स में जाइगोट का एक याद रखो और एंडोस्पर्म का, अब आधा जो नोट्स बाकी है, आप मॉर्निंग से हम यहाँ पे हैं, घर पे नोट्स पढ़ा हुआ, घर वाले पीसी में है तो हम घर पे जाएंगे, तो घर वाले पीसी में, तो घर वाले पीसी से हम भाई आपको दे देंगे। क्या बात है, 100 के सब लिख रहे हैं, देखते हैं 100 के होता है कि नहीं होता है, करवा तो लेंगे 1-2 साल 3-4 साल में मेहनत करके। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बस इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे लोग इसके फंक्शंस को पढ़ने में तकलीफ देते रहते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ बस डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, एंड देन एनी 2 पार्ट्स का फंक्शन, कोई भी 2 पार्ट का, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस का फंक्शन सभी को पता है, और आप एपिडिडिमिस का फंक्शन पढ़ सकते हो, या कोई भी इसमें से जो आपको बहुत ईजी लगे। देन इसके बाद अगर आप आगे आते हो तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको किसी भी 2 पार्ट के फंक्शन पढ़ लो, जैसे कि आप ओविडक्ट का पढ़ सकते हो, ओविडक्ट का साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ सकते हो, देन यहाँ पे यूटेरस का कर सकते हो, तो ऐसे आप कोई भी सिंपल सा डायग्राम एंड उसके फंक्शंस कवर कर लो। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला डायग्राम एक बार देख लो क्रोमोजोम्स का। देन अगर आप आगे आते हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम, बहुत अच्छा आंसर दोस्तों मेरे इजी ट्रिक के वीडियो में बनाया है, अगर आप उसे देखते हो तो अपने आप काम हो जाता है। इसके अंदर से आपको क्या क्या चीजों को याद रखना चाहिए, ओवुलेशन कौन से दिन होता है, ओवुलेशन कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए कौन से हार्मोन्स की वजह से होगा, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले लाइन में आपको डेफिनेशन दिया है, बहुत सारे बच्चे क्या इसको डिफिकल्ट समझ के, इसमें कौन से 4 हार्मोन्स है उसके नाम याद रखो, देखो FSH डायरेक्ट, LH, स्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 4-5 पॉइंट ऐसे ही आ गया, डायग्राम प्रैक्टिस किया, काम खत्म हो गया, चलो आगे। देन इसके बाद हाँ देखो यहाँ पे ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप
आईवीएफ के बारे में टेस्ट ट्यूब की तरह यहाँ पे बस यहाँ पे दो तीन पॉइंट पढ़ो भाई याद हो जाएगा। चाइल्डलेस कपल यहाँ पे लिखोगे याद हो गया। सर्वोगेसी डीमेन से रिलेटेड है। स्पर्म बैंक मेल से रिलेटेड है। यहाँ पे एक दो पॉइंट पढ़ लोगे काम हो गया। टाइप्स ऑफ ट्विंस बस याद कर लो काम खत्म हो गया। देन यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रिकॉशन इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो डिसीज दिए हैं इनके सिम्टम्स याद कर लेना प्लीज। दो दो सिम्टम्स बस पढ़ लेना बात खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मैं मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे बताने आया हूं कि अगर आप 30 मिनट्स में पूरा का पूरा साइंस के पांच लेसन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। देखो मैं लेसन नंबर 4 पे पहुंच आया हूं। लेसन नंबर 4 का ये वाला पार्ट अच्छे से आपको कर लेना है। देन यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बार बार पूछते हैं कि दो टाइप्स के यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट के दो टाइप्स है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। देन यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वे इज कॉल्ड एनवायरमेंट। एंड देन अगर आप आगे आते हो दोस्तों आगे यहाँ पे इकोलॉजी का डेफिनेशन है प्लीज अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे देखो इकोलॉजी का यहाँ पे डेफिनेशन है द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। प्लीज ये अंडरलाइन होने के बाद ये वाला एक पढ़ना है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये फैक्टर्स याद करो कि मैनमेड फैक्टर्स क्या होगा इजीली आप इसके आंसर्स दे सकते हो और नेचुरल फैक्टर्स क्या होता है। देन अगर आप आगे आते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ मत पढ़ो ये अगर थोड़ा बहुत देखना है तो एक बार देख लो। हाँ यहाँ पे आप रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है एक लाइन में बस आप पता कर लो और उसके एग्जाम्पल्स दो तीन दिए देखो यहाँ पे ये दो तीन एग्जाम्पल्स है प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना। देन यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं तो एक दो पढ़ लो कैंसर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको याद हो जाएगा। देन आगे आ जाओ नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक पॉइंट अपने मन से लिखो टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी ये इस लेसन का एक फिक्स पॉइंट है हमेशा याद रखना। और यहाँ पे एक चाहिए तो एक पॉइंट और इस लेसन का हमेशा लिख देना फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसे अगर आप लिख दोगे तो चार पॉइंट कवर हो गया। देन यहाँ पे बस आपको क्या करना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था देन एनवायरमेंटल एक्ट कब आया था बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट का बस ईयर याद रखो आपको कोई एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से मेरा साइंस पूरा हो गया क्या बात है थैंक यू सो मच दोस्तों। आईएमपी क्वेश्चंस यहीं पे बता रहा हूं। 49A ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कंप्लीटली बैन बस ये याद रखोगे ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स क्या है कंप्लीटली यहाँ पे क्या है बैन है 49A क्लॉज का नाम याद रखना। और कौन सा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मुझे बताओ कॉमेंट में ये लिखो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स कहीं पे भी आ सकता है। देन इसके बाद इनकी स्टोरी याद रखना पिछले बार मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया था और ये आया हुआ था स्टोरी तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है बस ये याद रखो कि उन्होंने कितना फॉरेस्ट कितने एकर में बनाया 1360 ये सब डेटा अगर याद रखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देन लास्ट का लाइन बहुत अच्छा है बाद में वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आसाम से करते हैं ये लिख सकते हो उन्हें पद्मश्री मिला ये आप लिखोगे। देन उन्होंने 30 ईयर्स पूरा हार्डवर्क किया ऐसे आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। देन ये आंसर होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बायोडायवर्सिटी एंड टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी ये एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ नहीं है पर लगेगा थोड़ा सा ब्रीफ। देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी बता दे रहा हूँ बायोडायवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ये वर्ड एक याद रखना रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द नेचर ये कंप्लीट हो गया। तीन टाइप से जेनेटिक है स्पीसीज है इकोसिस्टम है बस एक एक लाइन आप याद कर लोगे हो जाएगा काम। याद भी नहीं करना एक बार पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। सेक्रेट ग्रू बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मोर देन 13,000 सेक्रेट ग्रू हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया एक लाइन ये याद हो गया स्टार्टिंग का या कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड नेम ऑफ गॉड ये पॉइंट पे अंडरलाइन करो ये हो गया एक दो पॉइंट बीच में से आप देख लो। हाउ कैन बायोडायवर्सिटी कैन बी कंजर्व टोटल 7 पॉइंट है आपको कोई भी 4 पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। देन ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर नहीं देखोगे ये फ्लो चार्ट एक बार देखना है तो देख लेना। यहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम से पिछले बार क्वेश्चन पूछा और मैंने अंडरलाइन करा के दिया था मानस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है दोस्तों आसाम में आपको पता होना चाहिए और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्लीज आप देख लेना जाके पेपर में प्रीवियस ईयर्स के और इसको लेके बहुत बड़ा लफड़ा भी पिछले बार हो गया था बोर्ड एग्जाम्स में। और यहाँ पे देखो थ्रेटन स्पीसीज में कौन है टाइगर एंड राइनो बाद में सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पे टाइगर है तो ये यहाँ से आया था यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज बस यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स याद कर लो इसके टोटल 4 टाइप्स हैं और हर एक के एग्जाम्पल्स क्या है ये भी मैंने ट्रिक वीडियो में कवर करा दिया है। यहाँ पे देखो
ये बस आप याद कर लो, देन इसके बाद आप रेयर स्पीसीज में आओगे तो एग्जांपल है रेड पांडा एंड मक्स डियर, ये याद रख सकते हो। देन इसके बाद आप थर्ड वाले में अगर आते हो तो यहाँ पे टाइगर एंड लायन, ये तो आप इजिली कर सकते हो। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत कर रहे हैं, फोर्थ लेसन तक पहुंच आए, कितना मिनट हुआ, एक घंटा होने आ गया, फोर्थ लेसन पे आ गया हूं, उसमें से बहुत सारी चीजें तो मैं बता रहा हूं, अगर आप चाहोगे तो 30 मिनट्स में लेसन कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं अंडरलाइन करा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये सब टाइम जा रहा है। तो आप इजिली अगर आप बैठोगे तो आधे घंटे में आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, आप इतने दिन तक बुक लेकर ही बैठे थे, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया कॉमेंट करके बताओ। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है बस 10th और 12th के लिए नहीं है, 11th की भी चीजें पूरे कंटेंट यहां पे है चैनल पे, 9th के पूरे कंटेंट है, 8th 9th 7th सब चीजें यहां पे, तो 7 8 9 10th 11 12th जो भी आपके आजू बाजू है जल्दी से कर दो, हो सकता है कि आज ही एक बहुत बड़ा धमाल हो जाए। करना कुछ नहीं है, 400 लोग है, अगर एक एक बच्चे 10 10 बच्चे तक भी भेजते हैं आगे वो लोग, और ये तो हम जरूर बोलते हैं कि जो जिनके पास ये चैनल पहुंचेगा वो जरूर बहुत पसंद करेंगे, और ऐसा बच्चा जो 8 क्लास से अगर इस चैनल को पा जाए तो 2 साल में सोचो उसकी तैयारी कौन से लेवल पे हो सकती है, अगर आप यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के 10 दिन पहले अगर हमसे इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और अगर मैं अभी आपको ये चीजें बता रहा हूं, जब मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल वीडियोस भी हमारे पड़े हुए हैं चैनल पे, तो डिटेल में अगर चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो सोचो कितना अच्छे से आपको कभी कुछ चीजों को लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने मेरे क्लास में बच्चों को सब चीजें अपने आप याद हो जाती है। चले आगे, चलते हैं आगे दोस्तों, हाँ यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल से याद रखो, हाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल से याद रखो, 22nd मई वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, देखो इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दू इसके ग्यू रीजन्स कर लेना, अगर ग्यू रीजन्स इसके आपके नहीं याद हो रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि किस तरह से आपको ग्यू रीजन्स याद करना है, क्योंकि मैंने मेरे क्लास के बच्चों को याद करवाया। देन इसके बाद आप इसके अंदर ना सभी प्रोसेस के प्रॉब्लम्स डायग्राम, प्रॉब्लम्स एंड डायग्राम्स इस वाले पार्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देना है, प्रॉब्लम्स एंड डायग्राम। खाना नहीं खाया हो यार, अगर रहेगा तो प्लीज मेरे एड्रेस पे भेज सकते हो, सच्ची नहीं खाया, पानी इसलिए बार बार पी रहा हूं, बीच में एक दो बार बस चाय मिला था, प्रदीप सर तो चाय भी नहीं पीते, और पार्ले बिस्किट खाया था। अभी घर पे जाऊंगा, उसके बाद भी बहुत काम है, 12th के पेपर है, प्रदीप सर के अभी लेक्चर्स हैं, इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर लेना आपको भी फायदा होगा, और जो इंग्लिश का अभी प्रदीप सर कितने बजे लेक्चर है सर, मेरा 10 बजे प्रदीप सर का एक लेक्चर है इंग्लिश का, प्रदीप गिरी अपडेट पे, तो प्लीज उस लेक्चर को अटेंड कर लेना। 12th वालों के लिए बता रहे पर सर पेपर प्रेजेंटेशन बता रहे तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, बोलो एड्रेस, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, अगर आप चाहते हो कि पेपर प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा हो, क्योंकि आज हमने एक टॉपर्स का पेपर भी वहां पे अपलोड किया है, तो अगर आप चाहते हो कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, तो क्योंकि कल आपको पता है कि और बोर्ड के कुछ रूल्स के रिलेटेड बात करेंगे पेपर में लिखना कैसे, तो प्रदीप सर स्पेशल लाइव आने वाले हैं, 10 बजे आने वाले हैं, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल पे आने वाले हैं, इस चैनल पे नहीं आएंगे, इस पे हमारा इंग्लिश का लेक्चर चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आप उस चैनल पे आ सकते हो, अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, दोनों चीजें आ रही है। एड्रेस है बोईसर महाराष्ट्र, आ जाओ। देखो सर ने यहाँ पे कॉमेंट में पिन किया हुआ है चैनल को, अगर आपको ये चैनल के बारे में नहीं पता होगा तो भाई ये चैनल भी हमारा है, आज सर ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, सभी के लिए वो वीडियो है कि प्रदीप सर एज ए स्टूडेंट, तो अगर कितने कितने लोगों ने इस वीडियो को किसने किसने देख लिया तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और ये वाला वीडियो बहुत पिछले बार लोगों ने बहुत प्यार किया, और आज का वीडियो तो आप सर ने बहुत हाई लेवल का बनाया, एक क्लासरूम की तरह, कैसा क्लासरूम में एक एग्जाम में कैसा माहौल होता है सर ने बनाया, पहला ही वीडियो रहेगा, आप वीडियो में जाके देखोगे पहला ही रहेगा, तो आप इसके बाद जाके उसको देख सकते हो। और जितने लोग यहां से देखने जा रहे हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि मैं उस लेक्चर के बाद देखने आया, तो मैं रात को देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं बस बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के लिए, इस लेसन के लिए आपको बस डायग्राम एंड प्रॉब्लम्स एंड बस हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन है, पावर प्लांट है, उसका आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड सोलार का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बस कर लो, बाकी कुछ नहीं करोगे चलेगा, बस इसके लिए ये और ग्यू रीजंस। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने 5 लेसन की चीजों को कवर कर दिया है 1 घंटे के अंदर मैंने बताया। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आराम से आधे घंटे में आप चीजों को कवर कर लोगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को बीच बीच में बोल रहा हूं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रदीप सर ने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया है यहाँ पे, और जो प्रदीप सर ने आई थिंक आज वीडियो बनाया, बहुत ही प्यारा वीडियो है, देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। सर ने खुद क्लासरूम में कुछ बच्चों को बिठाया और सर खुद एक स्टूडेंट बने कि समझो मेरा बोर्ड एग्जाम है, ऐसा सर वहां रिएक्ट करे। कॉमेंट में देखोगे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, कॉमेंट में जाके अभी देखो सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा। सर अभी आता हूं, बोलो क्या खाओगे, टेंशन मत ले यार, आपने बोल दिया बस बात खत्म। चले बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे हमने सभी चीजों को कवर करा दिया है, इस लेसन में मैंने जो बताया आपको सिस्टमेटिक करना है। प्रदीप सर कुछ बात करना चाहते हैं आप बात कर लो, और फिर मिलते हैं, प्रदीप सर आपको बताएंगे। यस आ जाओ प्रदीप, मैंने 5 लेसन का बता दिया इसका। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि आज रात को प्रदीप गिरी अपडेट इस चैनल पे मेरा एक स्पेशल लेक्चर है जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, और उस पे स्पेशली क्योंकि कल इंग्लिश का पेपर है 12th वाले बच्चों के लिए, तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना जो बहुत कम ही लोग करते हैं और बताते हैं। तो बहुत सारी चीजों में पेपर पैटर्न, बोर्ड रूल क्या क्या है, कैसे क्या फॉलो करना है, बस उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपका भी इंग्लिश का पेपर है, आपको भी वैसे ही करना है, उसमें जो कंटेंट है उस पर ध्यान मत दो। बट मैं जो प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन भी सेम टू सेम आपका ही है, तो उस प्रेजेंटेशन को अगर आप जान लेते हो, पेपर उसी तरह से लिखोगे, तो आपके स्कोर बहुत अच्छे आ जाएंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि सिंपल सी बात है कि मैं आपके टाइम पे भी करने वाला भी हूँ, ये सिंपल सी बात है कि आपके टाइम पे मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट अगर आज सुन लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 दिन के अंदर वो पेपर आप एक क्वेश्चन मैं पेपर भेज दूंगा, क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो ये आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, इसलिए बता रहा हूँ 10 बजे का जो लेक्चर है वो अटेंड कर लेना। तो भाई यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं, और यहाँ जो कल मैंने PDF का आधा बाकी है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम और अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको सभी लोगों को मैंने प्रॉब्लम बताया, सुबह से मैं यहाँ हूँ, मैं मुझे नहीं पता था कि ओमकार सर ने वो ऐप जो नोट था वो मोबाइल में लिया नहीं, तो जब हम यहाँ आए तो हमारे ये वाले PC में बस आधा ही नोट्स था। अब सुबह से हम लोग यहीं पड़े हुए, अब घर पे जाएंगे, अब जाके देखोगे कि 9:30 बजे का लेक्चर मैं वहां से लूंगा, मतलब 10 बजे का लेक्चर मैं घर से लूंगा, आपको दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस। ओके यहाँ का देखो ऐसा है, वहां का अलग है, वहां का ऐसे नीचे है, आपको समझ में आ जाएगा, इसी से समझ जाया करो कि सर कहाँ है। ओके गाइस, और कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, फिर नहीं तो हम चलते हैं। कोई क्वेश्चन है भाई? बहुत थकान हुई है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, मैं देख रहा हूँ सभी के कमेंट, और यही एनर्जी ड्रिंक है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनर्जी ड्रिंक ले लो, भाई हम कंटिन्यू काम करते हैं, पर आप ही, आपके वर्ड्स ही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक है। डेली रेगुलर लेक्चर, जैसे ही थोड़ा 12th का टेंशन कम होगा, थोड़ा 2-4 दिन में बैलेंस हो जाएगा 12th का, वैसे ही आपका भी स्टार्ट हो जाएगा टेंशन, मतलब वैसे आपका एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपको करना ही पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ओके SST, ओके SST के बारे में कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ यहाँ। ओके राहुल सर, ओके गाइस, और एक चीज और, इस वीडियो के नीचे कमेंट ये करना कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट अभी भी है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, और हमसे मिलके अगर जो बच्चे नए हैं हमसे मिलके कैसा लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सभी कॉमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम लाइव में रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता। ओके गाइस चलो बाय 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 बाय।